जीवन की समस्याएं, इतने सारे दुख, ढेर सारी परेशानियां, इन सभी तत्वों को मिलाकर जो बनता है वो है इंसान। आप अपनी चिंताओं और परेशानियों से बचने के लिए लाइफ में जो भी कुछ करते हैं उनसे कई बार आपको सोल्यूशन तो नहीं मिलता, बल्कि उसके विपरीत आप बहुत सारी चिंताएं और ले लेते हैं और नई उलझनों और परेशानियों में फंस जाते हैं। जब कहीं कुछ नहीं दिखाई देता तब अंत में आपको अध्यात्म का मार्ग मिलता है। अब आप सोचते हो कि मैं अध्यात्म के मार्ग पर चलूंगा तब अपना बचा हुआ जीवन शांतिपूर्ण जी सकता हूँ, सभी चिंताओं परेशानियों से मुक्त हो सकता हूँ। लेकिन जैसे ही आप अध्यात्म में आते हैं आपके सामने कुछ और नई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आप ध्यान भक्ति का मार्ग ढूंढते हैं लेकिन ये मार्ग भी आपके लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। जब तक आप इसमें हो तब तक तो अपने आप को शांत पाते हो, लेकिन जैसे ही आप भक्ति या ध्यान से बाहर निकलते हैं आप फिर से अपने आप को संसार में खड़ा पाते हैं, फिर वही उलझने, वही परेशानियां, वही चिंताएं। ध्यान करने बैठते हो तो मन नहीं लगता, अगर मन लग भी जाए तो ध्यान नहीं लगता। आपने कुछ वीडियोस देखी या कहीं किताबों से पढ़ा या किसी गुरु मास्टर से सुना कि ध्यान में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं या वैसे अनुभव होते हैं। जब आप स्वयं ध्यान करने बैठते हैं तब आप उन्हीं अनुभवों की तलाश में घूमते हैं। अगर आपको कुछ अनुभव नहीं होते तब आप फिर चिंतित हो जाते हैं। मन की इस उधेड़बुन में आपका ध्यान कभी लगता ही नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका ध्यान क्यों नहीं लगता। असल में आपकी सभी उलझनों का कारण आपका मन है। मन का स्वभाव चंचलता का है, इसका काम बंदर की तरह इधर से उधर कूदना है। सच बात तो यह है आपके मन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि आप उसे जान न लें। अगर आप अपने मन को नहीं जानते आपके मन का ही अस्तित्व है। आप इसे ऐसे समझें जैसे मन शरीर के बारे में सोचता है तो आप खुद को शरीर मानते हैं, यानी आप शरीर ही हो जाते हैं। और ज्यादातर मनुष्य केवल इतनी ही सच्चाई जानते हैं कि वह शरीर है, इसीलिए वो भौतिक सोच रखकर आजीवन भौतिकता में ही जीते हैं। दूसरा, अगर आपके मन में कोई चिंता है या परेशानी है तो आप वह चिंता या परेशानी हो जाते हैं, फिर आपका दायरा और छोटा हो जाता है। कभी आपको छोटी मोटी कोई अचीवमेंट मिलती है, उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है तब आप आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, उसके बाद आप अपने आप को खुश जान पाते हैं। तो इस मन के पास बहुत सारे मुखौटे हैं, ये मन आपको जो मुखौटा देता है आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने इस मन को समझने लगते हैं वैसे वैसे आप अपने मन से मुक्त होते चले जाते हैं। अपने स्वयं में गहरा उतरने के लिए सबसे पहले आपको अपने इस चेतन मन को समझना होगा। चेतन मन को समझे बिना आप अपने अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकते और आप ध्यान या आध्यात्मिक गति नहीं कर सकते। और अपने इस मन को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस मन को उछलता कूदता हुआ देखें। विचारों को शांत करने का अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करें। जब तक आप अपने भीतर किसी भी एक विचार से जुड़े हुए हैं तो समझो आप अपने मन से जुड़े हुए हैं, फिर उस मन से मुक्त होना संभव नहीं है। लेकिन अगर आपका मन अपना कार्य कर रहा है, उसमें विचार आ रहे हैं, वो सोच रहा है कभी किसी एक विषय पर तुरंत फिर दूसरे विषय पर, उसे ऐसा करता हुआ देखें। जब आप अपने भीतर ये जान पाते हैं कि मन अपने स्वभाव के हिसाब से अपना कार्य कर रहा है और आपको उसकी कोई भी चिंता नहीं है, उसमें कैसे भी विचार आए, अच्छे, बुरे, नेगेटिव, गंदे, किसी भी प्रकार के विचार, आपको किसी भी एक विचार को नहीं पकड़ना है, बस उन सभी विचारों को दूर से देखना है। ध्यान रखना, आपके मन के लिए कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता। जब आप उससे जुड़ते हैं, उस विचार में छांट-गांठ करते हैं, तब वह विचार अच्छा या बुरा होता है। लेकिन अगर आप अपने विचार से मुक्त हैं, उससे जुड़े नहीं हैं, तो आप अपने मन से मुक्त हैं। धीरे धीरे जब आप अपने मन को दूर से देखने लगते हैं, अपने मन के विचारों में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं लेते, तब आपका मन आपसे ही थक जाता है और आप अपने मन से बड़े होने लगते हैं। अभी तक आप अपने मन के गुलाम थे लेकिन अब आपका मन आपका गुलाम होने लगता है, यानी आप अपने मन को स्थिर और कंट्रोल कर पाते हैं। मेरे पास रोजाना ढेरों कमेंट आते हैं, उसमें ज्यादातर लोगों का एक ही सवाल होता है कि उनका ध्यान नहीं लगता। अरे भाई, ध्यान लगेगा, पहले स्थिर हो जाओ, शांत होने की कोशिश करो। जब आप शांत हो जाओगे तभी तो अपने आप को सुन पाओगे, अपने भीतर जाकर सब कुछ देख पाओगे कि आपके भीतर की व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। लेकिन अगर आपके आसपास चिंताओं का शोर है, दुनिया भर की परेशानी है,
आपने अपने आप को शांत करना ही नहीं सीखा, तब भला ध्यान में कैसे उतर पाओगे? मैंने देखा आप में से ज्यादातर लोग डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेस करना चाहते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जीवन में भारी परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि अभी तक आप अपने कॉन्शियस माइंड को ही नहीं जान पाए हैं? अभी तो आपके कॉन्शियस माइंड की ही बहुत शक्ति है। पहले कॉन्शियस माइंड को समझो। जब तक आप अपने कॉन्शियस माइंड को नहीं समझ पाओगे, यानी अपने चेतन मन को नहीं जान पाओगे, तब तक आप अपने गहरे मन में, जिसमें असीम शक्तियां छुपी हुई हैं, जो सबसे शक्तिशाली है, उसमें भला कैसे प्रवेश कर पाओगे? तो सबसे पहले रुको, ठहरो, दुनिया भर की विधि विधान में मत फंसो। कुंडलिनी शक्ति को जगाना या सिद्धियां पाना या फिर आध्यात्म के अनुभव, इन सब में फंसे रहोगे तो अपने आप को शांत कैसे कर पाओगे? पहले थोड़ा स्थिर होना सीखो। अपने शरीर को देखो, शरीर की पांचों इंद्रियों को देखो। इनमें कितनी शक्तियां हैं, इनके कार्य कैसे हैं, ये किस प्रकार काम करते हैं, पहले इसे समझो। जब आपका शरीर और आपकी इंद्रियां शांत हो जाएंगी, तब आपका दूसरा पड़ाव आता है, आपका मन, जो आपको सबसे अधिक भटकाता है। और मन को समझने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि शांत होकर मन के कार्य को देखो, अपने ही विचारों को देखो। जो करता है उसे करने दो, वो एक दिन थकेगा और शांत हो जाएगा। जैसे ही आपका ऊपरी मन, यानी आपका चेतन मन, या आप उसे इंग्लिश में लॉजिकल माइंड भी कह सकते हैं, जब यह शांत हो जाएगा, इसके शांत होते ही आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा अपने आप ही खुल जाएगा। फिर आपको सबकॉन्शियस माइंड को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसके रुकते ही, इसके ठहरते ही, इसके सोते ही जो बचेगा वही सबकॉन्शियस माइंड होगा। और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का विश्लेषण भी नहीं कर सकते, उसको समझ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि समझने का, लॉजिक लगाने का और विश्लेषण करने का काम जो है वो आपके चेतन मन का है, और चेतन मन तो अब्सेंट है। तो जब चेतन मन की अब्सेंट होती है, तब भला तर्क वितर्क कौन करेगा, विश्लेषण कौन करेगा? जैसे ही आप अपनी दोनों स्टेजेस के पार निकल जाते हैं, वैसे ही आपकी समझ बढ़ने लगती है। शुरू में आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आपके मन का स्वभाव वो आपको ध्यान में नहीं जाने देगा। ध्यान में शांत बैठते समय आपका मन आपको बहुत सारी चीजें याद दिलाएगा, बहुत कुछ करने को रह गया, अचानक से कोई काम याद आ गया, या आप ध्यान के अभ्यास में बोर हो रहे हैं तो आपको कुछ एंटरटेन करने के लिए नया आइडिया आ गया। मन आपको तरह तरह के प्रलोभन देगा, उसे देने दो। अभ्यास करते रहो, अभ्यास मत छोड़ो। अगर आप अभ्यास छोड़ेंगे तो आपका ध्यान कभी नहीं लगेगा। आप मुझसे सवाल करते हो कि सर हमारा ध्यान नहीं लगता। अरे ये सवाल तो आपको मुझसे नहीं, अपने आप से पूछना चाहिए कि आपका ध्यान क्यों नहीं लगता। आप स्वयं से पूछो कि आप दिन में कितनी बार अभ्यास करते हैं, तब आप अपनी चोरी खुद ही पकड़ लोगे। ध्यान की अवस्था को पाने के लिए आपको कम से कम दिन में 2 बार अभ्यास करना चाहिए, और एक प्रैक्टिस कम से कम 30 मिनट की होनी चाहिए, यानी दिन में रोजाना 1 घंटे का ध्यान। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ आपकी शुरुआत के लिए। रोजाना ध्यान का अभ्यास करने के लिए आपको स्वयं से संकल्प करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मगर मेरा अभ्यास नहीं छूटेगा। देखिए, मेरी एक बात याद रखना कि ध्यान करना और ध्यान का अभ्यास करना ये ध्यान की अवस्था नहीं है। इसलिए शुरू में जब भी आप ध्यान करेंगे आपका ध्यान नहीं लगेगा। जब आप अपने शरीर और मन के पार की अवस्था पा लेंगे और वो अभ्यास करते करते किसी भी दिन हो जाएगा, तब कहीं जाकर आपका ध्यान लगेगा। और पहले तो कुछ समय तक ध्यान ही लगता रहेगा, उसके बाद आपको समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। हाँ, एक बात और, मेरी अभी पिछली वीडियो जो मैंने ओजस के ऊपर बनाई थी, उसके थंबनेल पर एक फोटो यूज किया है, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि क्या ये फोटो मेरा ही है। तो हाँ, वह फोटो मेरा ही है और ये फोटो भी मेरा है। बाकी बहुत जल्द मेरे फेस रिवील की शॉर्ट्स वीडियो भी आने लगेंगी।